पूरे देश की नजर अगले कुछ महीनों के भीतर होने वाले बंगाल चुनाव पर है, क्योंकि यहां पर टीएमसी और बीजेपी में जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है और सिर्फ जमीनी मुद्दे ही नहीं रह गए बल्कि जंग अब धर्म का लबादा ओढ़ चुकी है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के दुर्गा पर दिए गए बयान से टीएमसी ने पूरे जोर शोर के साथ हल्ला बोल दिया और बीजेपी को दुर्गा विरोध के कटघरे में खड़ा कर दिया। बंगाल में चुनाव है इसीलिए बवाल है। साल 2021 में देश की सबसे भीषण सियासी टक्कर है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, जो अप्रैल मई तक निपट जाएगा। लेकिन उससे पहले बंगाल के चुनावी रण में मचे घमासान में देवी देवताओं के नाम पर बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त खींचतान मच गई है। अब बीजेपी जय श्री राम के नारे को ममता के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र मानकर चल रही थी, लेकिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर एक ऐसा बयान दिया जिससे टीएमसी को मानो बीजेपी के ब्रह्मास्त्र की काट मिल गई। पहले दिलीप घोष का बयान सुनी। भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए राजा एक सुशासक मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है, और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित लिखा गया बंगाली ने लिखा है, रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बंगला रामायण है। तो एक आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। दिलीप घोष के बयान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ममता की सेना ने पूरी ताकत से दिलीप घोष और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। मुद्दा बनाया कि बीजेपी ने देवी दुर्गा का अपमान किया, बीजेपी ने बंगाल के लोगों की आस्था का अपमान किया, बीजेपी ने नारी शक्ति का अपमान किया, बीजेपी ने बंगाली जनमानस में रचे बसे संस्कारों का अपमान किया। इधर लज्जा है ना, जरा नारी दिए सम्मान दे ना, जरा नारी दे लांछित वंचित निपीड़ित अत्याचारित शोषित कर रखे, যাদের রাজে উত্তর প্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। টিএমসি কা আক্রমণ হোনা লাজমি ভি হ্যায় ক্যুঁকি আব তক জয় শ্রী রাম কে নারে অর হিন্দুত্ব কি তলওয়ার থামে বিজেপি ফ্রন্ট ফুট পর খেল রহি থি, লেকিন আব দেবী দুর্গা পর দিলীপ ঘোষ কে বয়ান কো মুদ্দা বানাকর টিএমসি এক কদম আগে বড়কর বল্লেবাজি কর রহি। हालांकि बीजेपी का दावा है कि चुनाव में जीत का छक्का तो वही मारेगी। उन्होंने माँ दुर्गा की स्थापना की थी उस समुद्र के किनारे और वहाँ पूजा किया था। माँ दुर्गा जो है वो शक्ति की देवी हैं, और शक्ति नहीं था ये अगर किसी ने कहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। बीजेपी की काट के लिए टीएमसी न सिर्फ देवी दुर्गा की शरण में आ गई है बल्कि उसने सरस्वती पूजा के लिए भी मेगा प्लान तैयार किया है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों में कुल 125 जगहों पर सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस ने ली। दरअसल बीजेपी की ओर से तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे, लिहाजा इस बार चुनाव से पहले टीएमसी किसी भी तरह का मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती। यही वजह है कि इस बार सरस्वती पूजा को जनसंपर्क और तुष्टिकरण की छवि को हटाने के लिए तृणमूल इस्तेमाल करने में लगी। ये जो पूजा होता है ये हर साल यहाँ पर पूजा हो रहा है, और ये बहुत कोई कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार के लिए इस बार ममता सरकार पूजा कर रही है, नहीं, बंगाल में हर पूजा दुर्गा माँ का पूजा से लेके सरस्वती पूजा लक्ष्मी पूजा, एक ठो कहावत है कि बंगालीर 12 मासे 13 पार्वण, तो हम लोग हर तरह के कल्चर को एक करके हर पूजा को ममता बनर्जी एक उत्सव के रंग में रंग दिए हैं। नारा लगाइए,
बंगाल के चुनाव को श्रीराम, दुर्गा या सरस्वती के नाम पर लड़ा जाएगा या फिर जमीनी मुद्दों को भी जगह मिलेगी, ये वहाँ की जनता ही तय करेगी। लेकिन इस बीच दोनों दलों में जारी खूनी झड़प का दौर भी आगे बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात 24 परगना से कोलकाता की ओर लौटते टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए फिरोज गाजी पर बम से हमला हुआ। जान तो बच गई, लेकिन टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों में नई जान आ गई। ममता जी की राजनीति अब रेत की तरह उनके हाथ से खिसक रही है। जनता का मन तो उनसे पहले ही उठ चुका था, अब उनके कार्यकर्ता, उनके नेता रोज दर्जनों की तादाद में पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। शायद चुनाव के आने तक ममता जी ही टीएमसी में अकेली रहने वाली है। कुल मिलाकर अब की बार बंगाल में जंग जोरदार है, जहां धार्मिक आस्था के प्रतीक भी हैं, बाहुबल भी है और जहां साख का सवाल भी। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।